भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में युवा दिलों की धड़कन माने जाने वाली अरविंद अकेला कल्लू फिल्म राजतिलक के सेट पर पहले दिन नर्वस हो गए थे। ये बात खुद कल्लू ने अपनी फिल्म राजतिलक की शूटिंग के अंतिम शॉट से पहले कही। कल्लू इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकार हैं, फिर भी वो नर्वस क्यों हो गए? इसका जवाब देते हुए कल्लू ने कहा कि राजतिलक में इंडस्ट्री के सारे सीनियर लोग हैं, एक मैं ही सबसे छोटा हूँ। अवधेश मिश्रा, सुशील सिंह, संजय पांडे, पद्म सिन्हा भी हैं। इनके तीनों के साथ एक फिल्म में मैं पहली बार काम कर रहा हूं। कल्लू ने कहा कि इतने बड़े बड़े कलाकार को देखकर मैं फर्स्ट डे नर्वस हो गया था कि क्या करूं क्या नहीं, लेकिन सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, खासकर रजनीश मिश्रा ने जिस तरह से सिचुएशन को मेरे साथ हैंडल किया उसके बाद चीज़ें आसान हो गई। कल्लू ने फिल्म के बारे में कहा कि पारिवारिक सामाजिक एक्शन रोमांटिक फिल्म है, इसकी कहानी बहुत प्यारी है, मतलब रजनीश मिश्रा के साथ मैं काम करना चाहता था और ये मौका मुझे राजतिलक में मिला जिसमें अवधेश मिश्रा का काफ़ी सपोर्ट रहा है। इस फिल्म में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने दर्शकों से अपील की कि जब भी ये फिल्म लगेगी सिनेमाघरों में जाकर ज़रूर देखें। YouTube पर बाद में कल्लू ने फिल्म साइन करने के मानदंडों के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि पहले जब मुझे हीरो बनना था तब कोई भी फिल्में कर लेता था, लेकिन अब इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बढ़ा है और तब से मैं पहले स्टोरी, डायरेक्टर और म्यूज़िक मेरी प्राथमिकता होती है क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। यही वजह है कि जिसके साथ मैं सोचता हूँ उसके साथ काम करने का मौका मिलता है। उन्होंने फिल्म की हीरोइन को सोनालिका प्रसाद की तारीफ भी की है और कहा है कि वो बहुत अच्छी हैं, उनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया है। उम्मीद है कि ये जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आए फिल्म राजतिलक के जरिए। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज़, भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।